बिहाने बिहाने देखे वाला पूरा देश दुनिया में बैठल आपन दर्शक लोग के हम अभिनंदन करतानी, प्रणाम करतानी। और आज हम आपके विजया भारती राजस्थान के हवा के सैर करेनी रहुआ सबके, यानी राजस्थानी पारंपरिक लोकगीत आपके सुनौनी। कैसन लागल? अच्छा लागल हुई तो हमरा भी अच्छा लागी जान के। और अब रउआ सबके बताएं कि आज के बिहाने बिहाने के खासियत का बा। तो आज के बिहाने बिहाने के एक घंटा के सफर में एक कलाकार, नया कलाकार से आपके मुलाकात हुई, उनकर गावल गीत सुनवावल जाई और बातचीत, पंडित जी विशेष नेक सलाह और जे भी तरह तरह के ओकरा में यात्रा जुड़ल रहला उस सब आपके सामने आई। तो आई देख लिहल जाओ इस सब के एक पहले झलक। छम छम बाजे पायल तोहार मैया, जब झूले झूला निमिया केदार मैया। चेन्नई के ई अजायब घर में दक्षिण भारत के सबसे ज्यादा कीमती दुर्लभ और अनोखा चीजन के संग्रह। आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में त्वचा की देखभाल कैसे करें। झलक के झलक दिखला के हम फिर से हाजिर बानी, मुस्कुराता खिलखिलाता अपन दर्शक वर्ग के देख के हमार भी दिल गद गद रहेला और हमेशा प्रफुल्लित रहेला। और उहे प्रफुल्ल मन के साथ झलक में दिखावल कलाकार के अपना साथ लेके हाजिर बानी और इनकर नाम बा सुखलाल आंधी जी। तो सुखलाल जी, आपके सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत बा, नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आप अपने दर्शक लोग के आप बताई पहले कि आप बिहाने बिहाने के तक कैसे पहुँचने। बिहाने बिहाने में हम अपन एगो कैसेट भेजनी सीडी। अच्छा, फिर हमें जाई नहीं। कैसा लाग रहा बाप? बहुत अच्छा लागल, हम बहुत खुश बानी। हाँ। कि आज बिहाने बिहाने में रउआ सब के सामने बैठ के बहुत हमरा खुशी होता। कहाँ के रहे वाला बानी आप? हमारा जिला सिवान, गाँव के नाम बा पकवलिया। तो आप वहाँ सिवान से यहाँ आपके आगमन भेल बा अभी? जी।
तो सुखलाल जी दो कलाकार के बीच में बातचीत तक चलते रही, लेकिन अपना दर्शक लोग के बेकरारी देखते हुए एक गीत से बोहनी हो जाए पहले का हुई। एगो हम देवी गीत गावत नहीं। बाजे पायल तोहार मैया, छम छम बाजे पायल तोहार मैया, जब झूले झूलानी मिया के डार मैया, जब झूले झूलानी मिया के डार मैया, छम छम बाजे पायल तोहार मैया, छम छम बाजे पायल तोहार मैया, जब झूले झूला निमिया के डार मैया, जब झूले झूला निमिया के डार मैया। देवी दरबार में जे जल खाली, माई के महिमा बा अजबे निराली, देवी दरबार में जे जल खाली, माई के महिमा बा अजबे निराली, पूजा दिन रात करीब हम तोहार मैया, पूजा दिन रात करीब हम तोहार मैया, जब झूले झूला निमिया के डार मैया, जब झूले झूला निमिया के डार मैया, छम छम बाजे पायल तोहार मैया, हर छम छम बाजे पायल तोहार मैया, जब झूले झूला निमिया के डार 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 मैया। बहुत तरह तरह के प्रयोग हर कलाकार अपना हिसाब से अलग अलग रंग के गीत में करेला, और देवी माई के गीत के ई प्रार्थना के ई तरीका से चित्रण भइल बा तो बहुत अच्छा लागल। किनकर लिखल गीत भाई? ये गीत खुदे लिखले बानी हम। माने आप राइटर भी बानी? राइटर तो बानी ना, मगर कोशिश करे नहीं लिखे नहीं कुछ। हाँ, बहुत हद तक रहेला हर लोग कलाकार, हर ऐसा ही जोन दिमाग में आई लो इसे हम लिख। अच्छा, तो आगे भी माई के गीत के बाद अलग रंग के गीत रउआ सबके सुनवाई। अब सुखलाल जी, यहाँ पर सबसे पहले एगो सवाल उठाता जे की पूछला बिना हमरा तो आज रात भर नींद ना पड़ी। ए सुखलाल नाम तो बहुत अच्छा भाई, माता पिता के रखल हुई, ई आंधी पीछे कैसे लग गई आपके? ऐसा ही एगो दिमाग के रख देहल। के रख देहल? ओ बारन एक जना ओपी शर्मा। अच्छा, उहे रख देलन नाम। का सोच के रखलन? ओ गीतकार बारन की का कलाकार बारन की आपके दोस्त? न दोस्त, चाचा लगे हन। अच्छा, हमर प्रोग्राम होत रहे तो बहुत ज्यादा बारिश होखे लागल। अच्छा अच्छा, हवा हवा से चोप समयाना गांव में लागल, आंधी उंधी उड़ गई। उड़ गई, वही से कहला कि तोर नाम इहे रही। तो एकरा से मतलब फायदा मिलल आपके नाम लगेला से? कुछ नाम लगेला से फायदा का माने? ठीके ठाक बा, ठीके ठाक बा। अच्छा, दूसर बात ये बताई कि कब से गाना शुरू कैनी आप? कैसे शुरुआत भइल? गाना हम कलकत्ता में रहत रहनी। अच्छा, कब, कितना साल पहले? करीबन आज से 7-8 साल पहले। तो वही जी प्रोग्राम हम एक जगह देखनी, वही बेरा से हमारा मन में आयल कि हमहू गायब। जैसे कि उ कलाकार लोग के देखे खातिर बहुत भीड़ लग रहा है, तो हमारा मन में भी आयल कि हमहू एक दिन गायब, जो हमरो के लोग देखी देखी। अच्छा, जी ये हमारे वही बेरा से हम पढ़ाई। एकरा खातिर आप कुछ प्रयास कैनी कि अपने आप आपके मन में आयल और आप गावे लगनी कि कहीं सीखना शुरू कैनी? गावे आईनी फिर, तो गुरु जी हमारे बानी
महात्म तिवारी जी, अच्छा उन्हें के लगे गईनी प्रोग्राम में जात आवत रहनी, उन्हें के आशीर्वाद से कुछ शुरुआत भाई। अच्छा तो अब अपना दर्शक लोग के मन बा आपके मुंह से दोसर गीत सुने के, तब का सुनाए बाप? एगो अपना बिहार के जोन माटी बा उहे हम सुनावे के चाहते नहीं। अच्छा तो ठीक बा, सुनाई। जानी करम में हमारा लिखल बा पलानी, करम में हमारा लिखल बा पलानी, पक के मरम हम कजानी, पक के मरम हम कजानी, करम में हमारा लिखल बा पलानी, करम में हमारा लिखल बा पलानी। कुशावा के घर बावे मुंज के रसरिया, बसावा के फारी फारी बनल बा चचरिया, कुशावा के घर बावे मुंज के रसरिया, बसावा के फारी फारी बनल बा चचरिया, लुगरी रखी ले हम सिरहानी, लुगरी रखी ले हम सिरहानी, करम में हमारा लिखल बा पलानी, करम में हमारा लिखल बा पलानी, करम में हमारा लिखल बा पलानी, पक के मरम हम कजानी, पक के मरम हम कजानी, करम में हमारा लिखल बा पलानी, करम में हमारा लिखल बा पलानी, करम में हमारा लिखल बा पलानी, करम। वाह वाह सुखलाल जी, बहुत अच्छा, मतलब गाना के थीम बहुत अच्छा बा, लेकिन एगो बात बा हमरा हिसाब से कि प्यार प्रेम में इतना ताकत बा कि का करी पक्का और महल, अगर संग में रही राजा जानी तो एकदम बहुत अच्छा लागे टुटलो पलारी, हमारा तो ये कहना बा का सही बात बा, सही बात है ना, जिंदगी में प्यार मोहब्बत विश्वास ईमानदारी रहना बहुत जरूरी बा। और दर्शक लोग अब ई गीत के साथ अपना सुखलाल जी के भी अपना साथ रखले बानी, और अब रउआ सबके कहतानी कि आई कार्यक्रम के एक ऊ हिस्सा रउआ सबके देखावतानी जेकरा देख के रउआ सब कहब अजब गजब। चेन्नई के ई अजायब घर में दक्षिण भारत के सबसे ज्यादा कीमती दुर्लभ और अनोखा चीजन के संग्रह, पूरा दक्षिण भारत में पुरातत्व विभाग के विरल हजारों साल पुराना वस्तुओं के ई अजायब घर में बड़ा संभाल के राखल गयल बा। ब्रिटिश काल में स्थापित ई अजायब घर के नाम सेंट जॉर्ज सरकारी अजायब घर है। ई अजायब घर में सबसे ज्यादा मशहूर ब्रॉन्ज यानी कांसे से बनल चीजन के गैलरी है। ई गैलरी में हजारों कांसी के पुरान और दुर्लभ प्रतिमा के रखल गयल बा। इकरे अलावा यह तंजावुर के मशहूर मंदिर के खुदाई से मिलल बेश कीमती प्रतिमा के भी सजोकर रखल गयल बा। अजायब घर के एगो गैलरी में प्राचीन भारतीय सिक्कन के राखल गेल बा। एमे चोल और सातवाहन राजा से लेके अंग्रेजन के समय तक के मुद्रा के बड़ा करीने से प्रदर्शित कैल गेल बा। ई अजायब घर में सबसे प्राचीन वस्तु ई अवशेष हो जोन डायनासोर के जमाने में जीवित पेड़ होत रहे। ए अजायब घर के एक हिस्सा में पत्थर से बनल प्रतिमा और शिलालेख के बहुत बड़ा संग्रह हो। इस शिलालेखन के आधार पे दक्षिण भारत के इतिहास लिखल गयल बा। ए
इ म्यूजियम के देखे खातिर हर रोज सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहाँ आवत रहे ने। अजब गजब देखला के बाद एक बात हमरा मन में लागत था कि कितना कुछ ही दुनिया में बा जेकर जानकारी अभी तक हमनी तक नहीं खे। इ भूगोल में कहाँ कौन ग्रह कहाँ नया नया ग्रह के पता लागता, कुछ नया अलग होता, कोनो आदमी में अद्भुत अलग प्रतिभा के पता चलता। तो ये सब देख के सचमुच में लागता कि बाप रे, ये दुनिया में अजब गजब नाम के भी चीज हो सकेला। और अब बताएं कि हमने के साथ आज कलाकार बानी सुखलाल आंधी जी। सुखलाल जी, और कुछ अपना बारे में बताएं, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक भइल आपके? मैट्रिक कलकत्ता में। कितना भाई बहन बानी आप? दो भाई बानी, एगो बहन। एगो बहन। पिताजी का करता नहीं? पिताजी कलकत्ता में गौरी शंकर जूट मिल में नौकरी करेनी। अच्छा, तो आगे पढ़े के इच्छा ना भइल आपके? ना, फिर गाने गावे लगनी, फिर पढ़े के मन ना कइला। अच्छा, ये चक्कर में पढ़ाई छूट गई। हाँ। तो गाना में ही अगर आप पढ़ाई छोड़ देनी गाना खातिर, तो वो गाना में बहुत आगे बढ़े खातिर आपके का का आगे के मतलब प्लानिंग व्लानिंग बा, का का कर रहल बानी? श्रोता के आशीर्वाद। हाँ। रउआ लोग के आशीर्वाद। ना, आशीर्वाद तो मिलेला, लेकिन कहीं कोनो मौका मिल रहा बा आपके कैसेट में गौनी कहीं कुछ? कैसेट बहुत भइल। अच्छा, बहुत हो गई? नीलम में भइल। अच्छा। गंगा में भइल, रामा में भइल। क्या को कैसेट निकलल अभी तक? अभी तक कैसेट कम से कम 12-13 गो निकलल। अच्छा, कौन तरीका के गीत बा सब में? 13 गो सब में? ज्यादातर हम भजन गौले रहनी, देवी गीत गौले रहनी। अच्छा, देवी गीत गौले। हाँ। हाँ। और आजकल के युवा वर्ग के जन प्रेम प्रेम वाला तड़क भड़क गीत सब अच्छा लगेला वो सब? हाँ, वो सब गौले, वो सब गौनी है ना। हाँ। हमरा थोड़ा थोड़ा ज्योतिष विद्या भी मालूम बा, लागता कि खूब प्रेम प्रेम वाला गीत भी आप खूब गौनी है ना। अभी हम सुनवाई अपना दर्शक लोग के, लेकिन दर्शक लोग आगे जिंदगी के अलग अलग रंग के कहानी आप देखब इनकर जुबानी इनकर गीत के बहाने से। लेकिन अभी अपन अपन राशि के हिसाब से तैयार हो जाएं, काहे कि पंडित जी के आगमन हो गइल बा, जे अब दिन भर के हाल चाल बताई हैं अपन कार्यक्रम ग्रह गोचर में। और अब बताएं कि आज हमने के बीच में हमरा साथ आज जे कलाकार बानी उनका नाम बा सुखलाल आंधी। आंधी जी, आपके एक मंच पर गैला से आंधी आ गई, लेकिन जीवन के मूड में सफलता के कौन मुकाम पर आप बानी? कहीं कोनो फिल्म वगैरह में गावे के मौका मिलल आपके? फिल्म और में तो मिलल नहीं के, मगर प्रयास जारी बा। कहाँ प्रयास करता नहीं आप? दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में? दिल्ली में। दिल्ली में प्रयास करता नहीं? अच्छा, तो अब सुखलाल आंधी जी से पूछा था नहीं। सुखलाल जी, आगे अगर अपना दर्शक लोग खातिर एक और गीत सुनावे खातिर कहीं हम, तो का सुनाए की इच्छा होगा आपके? एगो प्रेम पर गाना गावे के। प्रेम पर? हाँ। अरे प्रेम पर तो सारा दुनिया टिकल बा, लेकिन प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे शीस दे ले जाए। प्रेम पावे खातिर प्रेम लुटावे के पड़ेला, ईमानदारी से अपना आपके समर्पित करे के पड़ेला। और इनका से प्रेम वाला ही गीत हमने के सुनी। और सुखलाल जी, एक बात बताइए, अगला गीत सुनावे से पहले काका भगवान से मांगता नहीं कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, और क्या चाहते हैं जिंदगी कैसे बने? कुछ नहीं के मांगत हम, बस भगवान के आशीर्वाद। न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, बस नाम चाहिए। अच्छा, तो नाम चाहे, तो नाम मिल गए तब तो सब कुछ वही पीछे में बा, नामे के पीछे धन दौलत सब बात सब तो आप मांगिए लेनी। तो भगवान जी समझ रहे हैं कि पॉलिटिक्स कर रहा है बच्चा, घुमा फिरा के मांग रहा है। परिवार में संगीत के कैसे माहौल बा? ठीक बा, सब ठीक ठाक, सबके पसंद आवेला आपके गीत संगीत? हाँ। तो अब अगला गीत जो आपके मन में बा प्रेम वाला सुनावे वाला, तैयार बानी? हाँ। सुनाई ना। फूल पैर के धूल
के फूल पैर के भोर हो गए। सपना सजल उसारा सपना सजल उसारा चकना चूर हो गई। जेनिए रहे लहर दमऊ दूर हो गई। जेनियरे रहे लहर दमऊ दूर हो गई। चोट ना सहे प्रेम हा पावन पवित्र ओ में खोट ना रहे। दिल हा नाजुक सीसा ओ में चोट ना सहे प्रेम पावन पवित्र ओ में खोट ना रहे। सपना सजल उसारा सपना सजल उसारा चकना चूर हो गई। जनियरे रहे लहर दमऊ दूर हो गई। जनियरे रहे दूर हो गई। जनियारे रहे लहर दमऊ दूर हो गई। माथे के फूल पैर के दूर हो गई। क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है, तन्हा तन्हा रोने वाले कौन तुम्हें याद आया है। ऐसा ऐसा दर्द तो हर कलाकार के कलेजा में कहीं ना कहीं जरूर छिपल रहबे करेला, लेकिन भाई सो अपन अपन पर्सनल मामला बा ना जी। तो आपके जिंदगी में आगे मौका मिले आगे बढ़े खातिर और आपकी रिकॉर्डिंग होके और बिहाने बिहाने में भी आपके फिर बुलाए, नया नया गीत आप तैयार करें, अच्छा से अभ्यास करें, ढेर सारा शुभकामना देते हुए आज आवे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। तो यहाँ के रहनी सुखलाल आंधी जी, अजब और गजब, यानी एक अलग तरीका के नाम, एक अलग तरह के नेचर और बहुत कम बोले वाला कलाकार हो सकेला, बहुत नया कलाकार के झिझक भी रहेला। सीडी भेज के इनकर यहाँ तक आगमन भइल बा, पहला मौका मिलल, लेकिन अपना माटी के अपना बिहाने बिहाने देखे वाला पूरा दर्शक वर्ग में अगर एक नया कलाकार के नया प्रयास पहुँचल आप तक, तो आप सबके आशीर्वाद तो चाहिए सबके आगे बढ़े खातिर। और अब आपके जे दिमाग में बा, आपके मन में जे बात के इंतजार बा, यानी कि नेक सलाह चिट्ठी पत्री, तो उ तरफ हम बढ़ा तानी। और अब रउआ सबके खातिर अपन विशेषज्ञ के एकदम तैयार रख ले बानी, और रउआ सब अगर तैयार बानी तो आई ले ली आज के नेक सलाह। सर्दियां त्वचा के लिए बहुत ही बुरा वक्त लेके आती हैं, जिसमें त्वचा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहली बार अपेयर होती हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके लिए त्वचा की बहुत ही विशेष केयर करनी पड़ती है सर्दियों में। पहली स्टेप है अच्छी क्लेंजिंग। सर्दियों में दिन में दो बार एक अच्छे फेस वॉश या क्लेंजर से चेहरे को साफ करना बहुत ज़रूरी है। फेस वॉश जेंटल होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत हार्श फेस वॉश
या साबुन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लेंजिंग के बाद फेस पे एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइजर यूज़ करने के लिए जो सबसे उपयोगी या उपयुक्त वक्त है वो है फेस को वॉश करने के बाद, उसको टॉवल से हल्के से पोंछना है और ड्राई होने के पहले ही उस पर आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, जिससे जो नमी है वो काफ़ी देर तक रहेगी चेहरे पर और मॉइस्चराइजर का इफेक्ट कई घंटों तक रहेगा। इस प्रोसेस को रात को भी एक बार सोने के पहले रिपीट करना है। दूसरी चीज़, सर्दियों में मेकअप को बहुत देर तक नहीं पहनना है। अगर 4 या 4 घंटे से ऊपर आपको मेकअप करना है चेहरे पर तो एक बार फेस को वॉश करें, उस पर मॉइस्चराइजर लगाएं और दोबारा मेकअप करें, जिससे आपके पोर्स बंद ना हो और चेहरा मॉइस्चराइज रहे। तीसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है विंटर्स में, वो है ऊनी कपड़ों को कभी भी शरीर पर डायरेक्टली नहीं पहनना है। ऊनी कपड़े पहनने से पहले कॉटन का इनरवियर या कॉटन का एक ऐसा अंदर कपड़ा पहने जिससे वुलन कपड़े स्किन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। बहुत सारे लोगों को इससे एलर्जी होती है और बहुत सारे लोगों को इससे रैशेज़ हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि रैशेज़ होने के बावजूद मरीज़ों को पता नहीं चलता कि जो एलर्जी है उसका कारण ये ऊनी कपड़े हैं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि सर्दियों में गर्म पानी से स्नान नहीं करना है। गर्म पानी से स्नान करने से त्वचा से नमी चली जाती है और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। आमतौर पर लोगों को इस चीज़ का आभास नहीं होता क्योंकि पानी ठंड की वजह से लोग गर्म पानी यूज़ करते हैं। तो जो सबसे उपयुक्त टेम्परेचर या तापमान है पानी का वो है रूम टेम्परेचर। पानी हल्का सा गुनगुना होना चाहिए लेकिन गर्म पानी से स्नान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और गर्म पानी से स्नान करने से ये है कि कई बार लोगों को इरिटेशन या इचिंग या कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन में जो बढ़ जाती, तो इस चीज़ का भी एक विंटर्स में ख्याल रखना है। इन चीज़ों के अलावा नहाने के बाद शरीर पर जब हमारा बदन थोड़ा सा नम होता है टॉवल से पोंछने के बाद, शरीर पर कोकोनट या जैतून का तेल लगाएं, ऑलिव ऑयल। इससे स्किन लंबे टाइम तक मॉइस्चराइज रहेगी और शरीर में डेड स्किन कम बने। अभी जो मैंने आपको बातें बताई, अगर इन बातों का आप पालन करते हैं तो सर्दियों में भी आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकती हुई रहेगी। और नेक सलाह के बाद भाई आश्वस्त हो गई नी कि ई तरीका के समस्या अगर जिंदगी में कभी पड़ल, जरा सा भी भगवान न करे पड़े, तो कम से कम प्राथमिक रूप से ओकरा से निपटे खातिर हमनी के तैयार रह सकता नी। और अब आप सबके भेजल एकदम भर भर छाटी जेब चिट्ठी पत्री के माध्यम से प्यार पहुंचेला वो हमरा सामने बा। ई पहला चिट्ठी जे हमरा सामने ऊपर हम उठावता नी, B.L. चंद्रा, सन ऑफ हरीश चंद्रा, एड्रेस आम्रपाली, योजना दबग्गा, सीतापुर, हरदोई बायपास, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। अब देखता नहीं एकरा में से का निकलता। निकलता भाई एक सुंदर नौजवान के फोटो है। देखी अब ई नौजवान के का इच्छा बा, अब तो इनकर भेजल चिट्ठी पढ़ के पता लागी। अरे वाह वाह, चिट्ठी तो बहुत बड़ा बा और लेकिन बहुत सुंदर राइटिंग में भी बा। B.L. चंद्रा, माननीय विजया भारती जी और अजीत जी, मैं प्रार्थी B.L. चंद्रा विकास कॉलोनी आम्रपाली से, मैं पूर्वांचल का भोजपुरिया हूँ। मैं आप लोगों का सबसे पहले पैर छूकर सादर प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान से मनाता हूँ कि आप लोगों का समाचार सुरक्षित रहे, ठीक ठाक हो। आप लोगों का कार्यक्रम बिहाने बिहाने देखना कभी नहीं भूलता, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखने से बहुत जानकारी मिलती है और इसके लिए आप लोगों को और पूरे यूनिट को बहुत धन्यवाद। माननीय विजया भारती जी, मैं जब प्रोग्राम में आप लोगों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि हम भी फिल्मी लाइन या धारावाहिक में काम करें, जिसे हमें भी लोग देखे जाने। B.L. चंद्रा जी, आपके पत्र बहुत बड़ा बा, एकरा हम आराम से पढ़ब, लेकिन आपके पत्र के जे लब्बो लुआब बा, जे आपके इच्छा बा, वो हमनी तक पहुंच गई और हमरा तक पहुंच गई। आपके भावना के हम बहुत बहुत कद्र करता नहीं, आपके हमरा प्रति जे सम्मान बा ओकर भी हम कद्र करता नहीं। और पत्र के जवाब में हम ये कहे के चाहता नहीं कि आपन प्रयास जारी रखी। आपन अगर आपके गावे के शौक बा तो गायकी के एक नमूना सीडी में, और बाकी आपके जो बायोडाटा बा
वो तरीका से अपना प्रयास करें और समय समय पर खाली अलग अलग चैनल पर कोनो न कोनो विज्ञापन ऑडिशन हमेशा होत रहेला, अपना आपके जागरूक रखें। अगर आपकी इच्छा हुआ कहीं न कहीं मौका जरूर मिली। पत्र भेजे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि बिहाने बिहाने कार्यक्रम के माध्यम से हमनी के जितना आदमी जितना बड़ा परिवार दुनिया के अलग अलग हिस्सा में बैठते हुए भी आपस में जुड़ल रहने रोज बिहाने बिहाने एक घंटा, ये बड़ा सौभाग्य के बात बा और बहुत कम लोग के ही सौभाग्य मिलेला। और आप लोग देखनी कि कैसे एक उभरता हुआ कलाकार, जैसे अलग अलग कलाकार के चिट्ठी आवेला, अभी जैसे बीएल चंद्रा जी के चिट्ठी हम पढ़नी, अब आगे समय बताए कि इनका खातिर यहाँ से का कैल जा सकेला, लेकिन यहाँ से प्रयास रहेला कि हर आदमी के, हर कलाकार के, हर उभरता प्रतिभा के मौका मिले, मंच मिले, खास करके भोजपुरिया माटी के अपन कलाकार लोग के। तो ऐसने कोनो कलाकार अगर अपना अपना क्षेत्र में बानी तो सही दिशा में एक तो मेहनत करी, प्रयास करी, आपके लक के अनुसार आपके जरूर मौका मिली। काल फिर यही समय में रउआ सबसे मुलाकात हुई, हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते गीत सुनाते। तब तक खातिर हम विजया भारती आप सबसे विदा लेते हुए कहतानी, नमस्कार। बिहाने बिहाने।